कपूर से है, जहां पर चेक पोस्ट बैरियर के नाम पर परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर ट्रक मालिक संघ ने विरोध जताया है। साथ ही बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ज्ञापन भी सौंपा है। ट्रक मालिक संघ का कहना है कि चेक पोस्ट और उड़नदस्ता दल को अब फिर से लागू करने का परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें सभी चेक पोस्ट पर तैनात दल ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ट्रक मालिक पहले ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी से पहले ही परेशान हैं और अब इस निर्णय से ट्रक मालिकों की कमर टूट जाएगी। टीएस सिंहदेव ने ट्रक मालिक संघ की समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। बार बार ये शिकायतें आ रही हैं कि एक तो ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा होती जा रहा है, हमारी रोडें टूटती चली जा रही हैं, लगातार रोडों के ऊपर दबाव बन रहा है, और दूसरा ई वे बिल जो जीएसटी इत्यादि का हमको नुकसान हो रहा है। जीएसटी के डिक्लेरेशन में ई वे बिल ठीक तरीके से रिकॉर्ड में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये प्रमुख कारण थे कि ये बैरियर 16 बैरियर लगाने के बाद पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रांत की सीमाओं पर ये बैरियर लगा मिला था। अभी वर्तमान की सरकार ने अभी एक दिन पहले एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूरे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनः उस व्यवस्था को लागू कर दिया है, जिसके वजह से ट्रक मालिकों में भारी आक्रोश है। उसी को लेकर हमने यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए थे और वो ज्ञापन दिए हैं। छत्तीसगढ़ में एक दो दिन में